सो फाइनली कोई थका दू आज ही लगा आसे तो आपने हमके दिखाई दी वो आरो बोल लगा सोडी तो इतना भी जाना ही जाए जैसे ले आरो बीच ते आरो वापस आ जैसे तो काम चली ऐसे काम स्टार्ट हो जैसे मॉर्निंग में 2 घंटा 3 घंटा लगा वासे कुछ लोग तो साइल भी दे दिखाओ दे काम तो इतना चले ऐसे बाद डिफरेंस साइलो ही इधर तो बिश बोर हो जैसे और बिश लेटरा दिखे बो तखत लगाया ना दिया तो इधर बस क्लासी दिखे इस ना बस फिनिशिंग हुआ पिची ने अपने हाथ के दिखाओ इतने से है जो काटी ना लब्बा तो लब्बा था तो आधा तो कटी दी शे इतना से इधर का पीसेस अलग अलग पीसेस बा दिस टाइम तो वॉल पेपर दो इधर पीवीसी वॉल पीवीसी ला लगा से आरो एज यूजुअल लास्ट टाइम भी बीबार है इसे आरो हाजी बीच दे बाल दो जैसे दे बोए ये आरो आरो सॉरी लगी जैसे बेशी खड़ा से देख ले तो फाइनली दो तो वाल पे वो दो चेंज हुआ से अब सो हैप्पी इट्स वेरी एक्सपेंसिव गाइस इट इज एक्सपेंसिव तो प्राइस को दो लास्ट डे ना वीडियो को तब बाहर के दे आउट डेक्शन द प्राइस आल्सो बट कीप वाचिंग सो ये हो गया अभी देखो ये लोग गंदा करके गया है बहुत ब्यावा लेतरा कुटा चेशे अरे तो सपा कुरी बो उपाय नहीं उपाय मा ले दो सपा सपा कुरा पीछे दे तो हाँ सब सेटल कुरी ना तो हाँ सपा कुरी ना पोछा बारी के ना पोछा खाद खोदो आप चे सब सपा कुरी ना अपने खाद के लास्ट व्यू दिखाओ दे Till then, stay tuned. Keep watching.
Look at me. Inside side lada, inside side lak alak color ase. And then ito la ipale la alak color. Ile wade boy ekta color ekta color ekla wat yo bo tha nai do gade. Alak alak last year bhi I think idiga January last year bhi January bad de boy idiga. Sordi wala idiga sordi ida idiga ghor sapak brush this year bhi same repeat ho ase by god. This year be same hoise. So, that's it. Actually, my last week, but I had no point as that. He, it will like I did with that. Limit I had busy than she to Aji Fruish. Or in the other time, the man bed like Mulas Mulu, the good minute again. My baby office judge, eh? Well, a friend be die, wiggler. So, the apple to pour a supper crawling. Shit. Anyways, last day sapak ko na dikhao de. So, till then, keep watching. Usay thay video. So finally ये रहा result आप लोग देख सकते हो इतने ऐसे result finally मैंने मेरा भद्दा सा wallpaper change कर लिया finally. तो guys मैंने आप लोगों को इतना दिन से बोल के रखा था इमान दिन बाद कोई देखिस ना वो इतने wallpaper इधर तो change करोगे देखो इधर वो दीदा वॉलपेपर तो चेंज करो गा तो चेंज करी लेशी दे न्यू ईयर ते नोटन डाली लेशे. I hope you guys liked it. किन्हीं का लगे ऐसे लाइक कैसे लग रहा है ये दोनों को कलर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे दिख रहा है कमेंट में जरूर बताना ठीक है. चलो तो दिखा दिया आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना ठीक है. पहले से तो मच बेटर हो गया है ना पहले से तो बहुत अच्छा हो गया. माय गॉड मैं नजदीक से भी दिखाती हूँ ठीक है. नजदीक में ऐसा है ये कैसे फोकस हाँ देखो ये लकड़ी की तरह एकदम प्रॉपर वुड की मतलब ऐसे होता है इसको कुछ पीवीसी कुछ पैनल ऐसा कुछ बोलते हैं मैं नाम भूल गई. इसका ज़्यादा प्राइस लगा और टोटल अमाउंट इसका और कंपेयरिंग टू दिस ये वाला थोड़ा कम प्राइस का पड़ा और इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया. दोनों साइड एक ही कलर लगाने से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इसलिए मैंने मिक्स करके लगा दिया. ये एक स्ट्रिप में और मतलब ये एक क्या बोलेंगे इसको इस पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ जो भी हो ये रहा और ये दोनों मिला के मुझे पड़ा 16,700 something. तो मैंने 700 डिस्काउंट मांग लिया. तो किसी ने आज तक पोर्क बिरयानी खाया है क्या? अगर नहीं खाया है तो आज मेरे साथ खा लीजिए. तो बिरयानी खा वाले ऐसे दे यम 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 यम
There we go. Wow. Wow. बहुत टेस्टी है। वॉलपेपर लगाने के बाद, आई मीन वॉल का जो काम हो गया वो करने के बाद मैंने बिरयानी ऑर्डर किया, पॉर्क ड्राई फ्राई किया और साथ में खा रही। अभी सोच रही हूँ कि मैं मॉल में जाऊँ और मेरे लिए एक दो कुछ सब कपड़े खरीदने हैं। मैंने दिस ईयर विंटर में कुछ भी सामान नहीं खरीदा। अच्छा, मतलब खरीदा होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं कि यू नो कि जो मुझे चाहिए, मतलब एक हैवी वाला शॉपिंग नहीं किया, समझ जाओ आप लोग। वो मैं सोचूँ मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मैं कल मेरा कुछ काम है गुवाहाटी में, तो मुझे आई थिंक गुवाहाटी के लिए निकलना भी पड़ेगा शायद। तो मैं सोच रही हूँ, तो मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी, ठीक है? तो मैं अभी बिरयानी इंजॉय कर लेती हूँ, आप लोग भी। आ बाबा, पापा, आप लोग भी जाके कुछ खाओ, ठीक है? तब तक मैं ये खत्म कर लेती हूँ, ओके? चलो। अभी मैं जब खा रही थी ना बिरयानी, तो बीच में मुझे कॉल आया और मेरा मिंत्रा से पार्सल आ गया। ये पार्सल 2-3 बार कैंसिल कर दिया था वो कुरियर वाले ने। मैंने आज नीचे जाके उसको अच्छा से बलाई मार के उसको समझाया। पता है, कोई आपके साथ गलत करता है तो क्या करना चाहिए? उस इंसान को प्यार से समझाओ, प्यार से समझ जाएगा ना, और उसको गिल्टी भी फील होगा कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया, फिर भी ये इतना प्यार से मुझे समझा रहा है। तो मैंने उसको वही फीलिंग दिया और उसको गिल्टी भी फील हुआ, उसने मुझे सॉरी भी बोला। ये सेम पार्सल 2 बार उसने कैंसिल किया, क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, शाम को आऊँगी, तो आप शाम को लेके आ जाना। तो उसने बोला ठीक है, रीअटेम के लिए लगा देंगे। उसके बाद उसने कैंसिल मार दिया था। तो आज भी उसने सेव करने की कोशिश की कि वो मेरा पार्सल को कैंसिल करने वाला था, लेकिन मैं वो उसने फ़ोन किया और बोला कि आपका पार्सल है, आप नीचे आके ले लो। मैंने बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप ऊपर आ जाओ। तो वो क्या कर, उसने मेरा मुँह पे फ़ोन काट दिया और वो चले गए। तो मैंने देखा कि डिलीवरी फेल्ड, फिर भी मैं नीचे गई और देखा कि भैया ने तो ये तो वो कर दिया। मैंने फिर उसको कॉल किया, उसने फ़ोन काट दिया। सेकेंड टाइम कॉल किया तो उठाया। मैंने बोला भैया कहाँ हो, मैं नीचे आ गया, आप आ जाओ। तो उसने डिलीवरी कैंसिल मार दिया, फिर भी मुझे डिलीवरी किया उसने। उसके बाद मैंने उसको समझाया पूरा,
गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग घंटों घंटों फ़ोन पे स्क्रॉल कर करके कुछ पसंद आते हैं तभी ऑर्डर करते हैं, और ये लोग ऐसे करते हैं तो कैसे होगा बताओ। ऐसा ज़माना आ गया पता नहीं। चलो मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। एक ये है, छोटा वाला से शुरू करते हैं। लेकिन इसको नहीं खोलेंगे अभी, ठीक है। पता चल गया ना कैसे लेगिंग्स वाला है, ऐसा वाला लेगिंग्स। और ये है, ये एक्साइटेड है, इसके लिए बहुत वेट किया मैंने। मैंने यार, मैं विंटर में पहनने के लिए ऑर्डर कर रही हूँ और ये बार बार कैंसिल पे कैंसिल किया जा रहा है, बताओ। और इसका मुझे समझ नहीं आया बे, ये जब मैं ये इसको मैंने जब ऑर्डर किया तब मुझे दिखा रहा था 3100 वहाँ पे, मतलब मिंत्रा का वहाँ पे 3100 दिखा रहा था और यहाँ पे 3229। व्हाट द हेल, मतलब 129 रुपीस क्या चीज़ का था, और मेरा डिलीवरी चार्जेस भी फ्री था। समझ नहीं आया मेरे को, चूतिया बता रहा है क्या डिलीवरी, मतलब ऑनलाइन वाले तो बनाते हैं ये चूतिया और हम बन जाते हैं, फिर भी हम आदत से मजबूर वही फिर से वही गलती दोबारा करो। हमें तो चूतिया बनने का आदत सा हो गया, बनाते जाओ बनते जाएंगे और क्या। चलो तारा खुल गया। अगर मेरे को ना मेरे जो ऑर्डर के वो नहीं आए ना तो रिटर्न मार दूंगी मैं। हाँ ये था सही है ना, फक नाइस मैन, सेक्सी है, गुड। तो मैं अभी आप लोगों को शिकायत कर रही थी ना कि देन मैंने दिस क्रिसमस दिस विंटर मैंने कुछ नहीं परचेस किया अपने लिए, तो ये हो गया एक। हाँ ठीक है, मतलब बूट्स 1000+ वाला बूट्स थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मतलब चीप लगता है, मतलब उतना क्वालिटी खास नहीं होता। बट इसका एक्चुअल प्राइस था 6000 समथिंग, आई थिंक कुछ ऑफर में था शायद, तो ऑफर में मुझे 3100 शो कर रहा था, बट वो लोग ने अभी 3229 रुपीस लिया इसका। अच्छा है ना, ठीक है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आया हैवी है लेकिन हल्का नहीं है, हैवी है। नाइस नाइस, गुड 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 गुड। हाउ इज इट गाइस, कमेंट करके बताना, ठीक है। पीछे देखो, नाइस, आगे देखो, शेप अच्छा है ना इसका। चलो मैं दिखाती हूँ पैक करके। ओके ये देखो, चलो शो यू गाइस, ये देखो शेप अच्छा है ना, मेरे को थोड़ा लंबा चाहिए था, तो मेरे को थोड़ा लंबे में चाहिए इसलिए मैंने ले लिया। चलो नेक्स्ट टाइम पहन के दिखाऊंगी, नॉट टुडे। आज मैं थोड़ा लेजी फील कर रही पहनने के लिए। सो गाइस, मैंने जो वीडियो बनाया था इसका कितना, मतलब सीरियसली क्या हो गया पता है, उस वीडियो का सत्यानाश हो गया।
सत्यानाश समझते हो सत्यानाश, मतलब उस वीडियो में मैं ब्लर हो गई, टोटली ब्लर। एक्चुअली मैंने ना फोकस अच्छा से सेट नहीं करके बैक कैमरे से शूट किया था, तो कुछ भी नहीं आया, मतलब पूरा ब्लर हो गया और वो स्पॉइल हो गया, पूरा ब्लर हो गया और वीडियो पूरा खराब हो गया। लेकिन मैं वीडियो खराब होने से भी ऐसे ही डालूंगी, जैसे है ना वैसे ही डालूंगी, देख लेना आप लोग, ठीक है, मतलब मैनेज कर लेना, मैं जैसे डालूंगी वैसे देख लेना और मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, मैं मुझे पहनने का तो मन नहीं था लेकिन मैंने पहन लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, देख लो वैसे बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, नाइस। और मेरे पैर पे तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बस्ट देखो पैर पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये हुई ना बात, सही आ रहा है ना, अच्छा आ रहा है, पर ऐसे करके देखा रहा भी। देखो। मैं बोलते हूँ बॉर्डर में कुछ कलेक्शन देख रही हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा यार, ये कैसे लग रहा है, अच्छा तो गर्म है लेकिन अच्छा गर्म है, गर्म गर्म देखती हूँ यहाँ पे और तो मुझे अच्छा लगा। गॉश लाइक सीरियसली मैं एयरपोर्ट पे हूँ और गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा सुबह से दिमाग ख़राब है, मेरा फ्लाइट था 7:20 का, अभी 9 बज गया हम लोग का फोग की वजह से फ्लाइट बहुत लेट हो रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ऐसे चल रहा है और मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे लगता है कि ठंडी की टाइम में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, शायद यही बेटर है, तो बहुत 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 ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है सीरियसली। मैं सुबह 6 बजे से एयरपोर्ट पे ही घूम रही हूँ, एयरपोर्ट पे ही मतलब सब कुछ एयरपोर्ट पे ही चल रहा है, तो ये सीरियसली 6 बजे से मतलब बोर्डिंग का भी टाइम नहीं हुआ, बोर्डिंग भी टाइम से नहीं हुआ, अभी इतना ठंड में मेरा नोज़ भी इतना गंदा से रनिंग हो रहा है और मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे लगता है ना ये लोग को कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन कस्टमर को इतना ना वो पैसेंजर को इतना वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं हैरासमेंट, ये तो हैरासमेंट ही हो रहा है मेरे ख्याल से। हो गया, चला गया, ladies and gentlemen.
We request you to keep big bags in the overhead bins above your allocated seat and small bags under the seat in front of you, excluding the right ones and the emergency exit doors. मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी फिर मैं दूसरा रिकॉर्डिंग करूँगी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम का जो भी वीडियो, मतलब नेक्स्ट टाइम का जो भी होगा मैं वो दूसरा वीडियो में अपलोड कर लूँगी। आज के लिए इतना, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। और आप नए हो कोई यहाँ पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट कर, आजकल कमेंट नहीं आ रहा है ना, बुरे कमेंट नहीं चाहिए मुझे, बुरा कमेंट अच्छा नहीं लगता, अच्छा कमेंट चाहिए, लेकिन कमेंट करो। ऐसा लगता है एक वीडियो डाल दिया, 2-3 हज़ार ने देख लिया और कमेंट में 2-3 जी बंदे ने कमेंट किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार क्या है, इतना बोरिंग सा, किसी से बात करने का मौका भी नहीं मिला, ऐसा फील होता है। तो आप लोग कमेंट करो, और कमेंट करने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि आपने से बातें कर रहे हैं, यू नो, रिप्लाई देना अच्छा लगता है, यू नो, आप लोगों का जो भी आप लोग लिखते हो, ठीक है। तो चलो, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।